फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नए सिलसिला नॉवल कह दो मुझे जो पिया की एपिसोड 2, जिसको लिखा है हमार कुरैशी ने। तो ले चलते हैं आपको नई एपिसोड की तरफ। मूसा, आप जा कहाँ रहे हैं बेटा जी? अभी तो आप USA से वापस आए और अब दोबारा वापस जाने की बात कर रहे हैं। कमर साहब ने मुताजब अंदाज में अपने लाडले पोते को देख कर कहा। वो तीन बेटों और एक बेटी के साथ साथ जवान पोती पोतों के दादा भी थे, मगर इस उम्र में भी वो खासे चाको चौबंद और एक्टिव थे। आज भी कमर साहब की इजाज़त के बगैर लतीफ मेंशन में पत्ता नहीं हिल सकता था, मगर सालों पहले उनके बेटे की बगावत ने इस घर का शिरासा ज़रूर बिखेर दिया था। मेरे आने या जाने से भला किसी को क्या फ़र्क पड़ता है ग्रैंडपा? वो सहजाया मुस्कराया, जबकि वो जो खुले डुल्ले से ट्राउजर शर्ट में मलबूस थे, ज़रा थके से अंदाज में बैठ के पैरहाने रखे सोफे पर जा बैठे थे। फ़र्क पड़ता है बच्चे, मुझे फ़र्क पड़ता है, हम सबको पड़ता है। तुम्हारे वालदैन, वो कुछ बोलने ही लगे थे कि वो उन्हें खामोश करा गया। प्लीज़, वो पोते के माथे पर उभरती नागवारी की शक्लें देख कर खामोश हो गए थे, जबकि वो ड्रेसिंग रूम से कमरे के चक्कर काटता अपनी पैकिंग में मशगूल हो गया था। ये नाराज़गी कब तक कायम रखने का इरादा है? उन्होंने अबरुचकार से सवाल किया। नाराज़गी तो ना कहें, इसे इख्तलाफ कहते हैं, वो इस सहजाया मुस्कराया। खैर, जा कहाँ रहे हो? इस बार उन्होंने सवाल पूछा। अपने दोस्त के घर, उसने मुख्तसरन कहा। दोस्त? वो ज़रा हैरान हुए। जी, स्कूल फ्रेंड है मेरा, सालों बाद मुलाकात हुई है और अब उसकी शादी है, जिसमें मेरा शिरकत करना बेहद ज़रूरी है, उसने मुख्तसरन कहते बात ख़त्म की थी। अच्छा, कहाँ होता है वैसे ये दोस्त? उन्होंने अबरूट खाए। बाहर, वो एक लफ्जी जवाब देता खामोश हो गया, जबकि हाथ तेज़ी से सूटकेस में अपना ज़रूरी सामान भरने में मसरूफ थे। कब तक वापसी है? वो उदास हो गए थे। मालूम नहीं, वो ही गोलमोल जवाब। क्या आपको अब हमारा भी बात करना पसंद नहीं रहा? वो रंजीदा हो गए थे। एक आप ही हैं जिनकी मैं हर बात सर आँखों पर रखता हूँ, वरना मेरा बस चले तो इस घर की दहलीज पर कदम भी ना रखूँ। इस बार वो लहजे की नागवारी छुपा नहीं सका था। खैर से जाएं और पहुँच कर हमें कॉल लाजमी कर दीजिएगा। वो उसका कंधा तप तपा कर वहाँ से निकल आए थे, जबकि मूसा सर झटकता अपनी सुंदरिया की हरकतें याद करके दिल से मुस्कराया था। वो अब बेमकसद भी मुस्कराने लगा था। मेरी मासूम सुंदरिया, वो खुद साख्ता कयास करता बालों में हाथ फेर कर बेड पर चित लेट गया था। आँखें मीचते ही निगाहों के सामने उसका दिल का चेहरा घूम गया था, जो पिछले एक माह में उसे अपना दीवाना बना चुका था। वो US से वापसी पर सीधा जीशान की शादी पर बाहर निकल गया था। उसका इरादा सबसे मिलकर वापस आने का था, मगर वो नहीं जानता था कि वो वापस आ भी गया तो उसका दिल तो वहीं कहीं रह जाएगा। 3 दिन के लिए जाने वाला वहाँ पूरा एक माह गुजार कर वापस आया था, मकसद बस उसके चेहरे का दीदार करना था। हम जल्द साथ होगा मिल जा, इस बार तकिए को सीने में भेजता वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह सोचता आंखें मेच गया। तुबा, बच्चे ये क्या कर रही हो? वो अपनी रूटीन के मुताबिक पहले कबूतर को दाना डाल दी, अब अपनी बिल्ली के नाज नखरे उठाने में मसरूफ थी कि पीछे से उभरती जिशान की आवाज़ पर चौंकी। कुछ नहीं भाई, आपको कोई काम था? उसने बाकायदा रुख मोड़ कर पूछा। इस हफ्ते में शादी थी, घर मेहमान से भर गया था और अभी तक मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। काम तो था, ज़रा ये मूसा का सामान तो किसी मुलाजिम की हमराही में गेस्ट रूम तक पहुँचवा दो। तुबा ने ज़रा उचक कर पीछे देखा, जहाँ वही गरीब आदमी अपनी गरीब सूरत लिए खड़ा था। अच्छा ठीक है, उसे अपने बच्चों के काम में खलल पर जाने पर मुंह बसूरा था। चल मूसा, मैं तुझे बाकी सब दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। वो मकरूर अनापरस मूसा गोया अपनी सुंदरिया के सामने आ जाने पर कहीं खो सा जाता था। हाँ हाँ चलो, वो जो ट्रांस में उसे देखने में माहौल था चौंक कर होश में आया। पता नहीं हर वक्त मुझे क्यों घूरते रहते हैं, इनकी हरी कंचे जैसी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत मेरी रस्सी की सब्ज़ आँखें हैं। मूसा की आंखों में जगमगाते जज्बात से लापरवाह उसने अपना ही कयास दड़ाया था। चल तुबा, इस गरीब आदमी का सूटकेस गेस्ट रूम में पहुँचवा दे, इतना बड़ा कपड़ों का बैग तो ऐसे लाए हैं जैसे यहाँ साल भर रुकने का इरादा हो। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई ऊपरी मंजिल की जाने बढ़ी थी। चचा बख्तियार हसन, जो किसी भूली बिसी याद में खोए
हाथ में पकड़ी लेडीज वॉच देख रहे थे, एकदम चौंके। जी बेटा, उन्होंने नामहसूस अंदाज में हाथ पीछे को कर लिया था। यार ये क्या आप हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, उसने ज़रा नाराज़गी से कहा था। मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लगता है ना चाचा, कश्माला ने ज़रा शरारती लहजे में कहते चाचा की टांग खींची। वैसे तो वो रिश्ते में उनके ताए के रुतबे पर फाइज था, मगर शादी ना होने के बाद सब बच्चे चाचा चाचा ही पुकारते थे। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बख्तियार साहब ने भतीजे के जाने मुतवज्जा हुए। बात यह है चाचा कि बाबा ने कहा है कि आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे, उसने घुमा फिरा कर सवाल किया था। ऑफिस? बस यार आजकल सर तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने गद्दी सहला कर बहाना तराशा। उम्र का तकाजा है चाचा, कश्माला ने शरारती लहजे में टुकड़ा लगाया। उमर लो भला, दादू से पूछो जरा चाचा की उम्र, दादू कहेंगे आए हाय अभी उम्र ही क्या है मेरे बच्चे की, गबरू जवान है। लारे अब जिस अंदाज ने मनीषा बेगम की नकल उतार कर बोला था, बख्तियार हसन का कहकर बेसाख्ता था। वैसे भी मर्द हमेशा जवान रहता है, क्यों चचा? लारेब ने अब उनके गले में बाहें डाली थी। हाँ ये बात तो सोना ने दुरुस्त किया तुमने भतीजे। बख्तियार हसन ने भी भतीजे का साथ दिया था तो कश्माला मुंह बनाती वहां से वॉकआउट कर गई। चलाओ मैं जरा तुम्हारे बाप का दिमाग दुरुस्त कर दूँ, तुम लोग क्या मुझे चचा कहने लगे हो, इन सब ने तो मुझे नन्ना काका ही समझना शुरू कर दिया। वो ज़रा मसीह गुस्से से बोले थे, लारेब का कहकर अपने साख्ता था। चलें आ जाए फिर, हम दोनों चचा भतीजा आपके भाई की खबर लेते हैं, वो शरारत से बोला तो वो उसके सर पर चपत लगाते हम कदम हुए। मीसा यार सुनो ना, वो नाराज़गी जताती तेज गाम मनी चलती चली जा रही थी जबकि लाला रुख उसके पीछे पीछे थी। क्या है? वो अचानक से ठहरी थी। उफ मेरे अल्लाह, उसका सर एकदम उसकी पुछ से लगा था। लाला रुख अंधी हो गई हो क्या? उसने दांत कचकचाए। यार नाराज़ क्यों? उसे मासूम सी सूरत बनाई थी। तुमने मंगनी कर ली और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा, यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, उसने जताते हुए लहजे में कहा था। अच्छा बाबा माफ़ कर दो गलती हो गई, मगर मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिया। अच्छा बोलो, वो हनुस मुँह बनाए खड़ी थी। यार सब कुछ बहुत जल्दी में अचानक से हुआ, मामा ने मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया तो भला मैं तुम्हें कैसे इतला देती, वो रूहान से उसी आवाज़ में बोली। अच्छा फिर एक शर्त पर माफ़ करूँगी। वो क्या? उसने सवालिया पूछा। मुझे गोलगप्पे खिलाओ, वो खिलखिला कर हंसी थी। बस इतनी सी बात, चलो आ जाओ फिर, वो मुस्करा कर हम कदम हुई थी जबकि वो जो मीसा की जाने कदम उठा रहे थे उल्टे कदमों वापस पलट गए थे। तू बची? वो जो समरूम में सारा सामान सेट कराने के बाद अमुतमई नजरों से सब देखती पलटने को थी कि अपने ऐन पीछे खड़े मूसा को देख कर हड़बड़ा कर रह गई। जी? ज़रा घबरा कर इर्द गिर्द में देखते सवाल किया। मूसा अपनी बेसाख्तगी पर पल में शर्मिंदा होता कमरे की दहली से बाहर निकल गया था ताकि वो कमरे में खुद को तन्हा महसूस ना करे। सॉरी, वो मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए था। शायद पहली बार, हाँ शायद ही पहली बार ही था कि मूसा ने किसी से माजत की थी। कोई बात नहीं, वो आप सब देख लीजिएगा, मैंने आपका सारा सामान अलमारी में सलीके से सेट करा दिया है, उसने नपे तुले लहजे में कहा था। आपने करवाया तो यकीनन सब ठीक ही होगा, वो मुस्कुरा कर गया हुआ। तुबा ने ज़रा की ज़रा नज़र उठा कर उसकी जानब देखा था जिसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, सब्ज़ आँखों में अलग सी कशिश थी। वो निगाह होकर रुख फेर गई। मैं जाऊँ? उसने कुतरा कर निकलना चाहा। जी। मूसा जो पहले ही पासे से खड़ा था मजीद राह हमवार करता पीछे को हो गया था और उसकी सुंदरिया हवा की तेज़ी से वहाँ से निकल आई थी। मासूम, ये दूसरा लफ्ज़ था जो उसकी हरकतों पर जहन में कलबल आया था। ये मंजर है लतीफ़ मेंशन के हॉल का जहाँ बारूब शख्सियत के मालिक कमर साहब की आवाज़ गूंज रही थी और बाकी ख़ानदान के लोग सर झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। डैडी मेरी बात तो सुने, ये इब्राहिम साहब थे जो इस उम्र में भी बाप के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं कर सके थे। इतने सालों से आपको ही सुन रहे हैं पर खुदा, मगर आपकी हरकतें ऐसी हैं जिन्हें हमें पूरे ज़माने में रुसवा कर रखा है, वो तंजिया तौर पर बोले तो उन्होंने सर झुका लिया था जबकि उनकी जौजा ने पहलू बदला था। फिर आप बता दें इस बार ऐसी कौन सी गलती सरज़द हो गई
जो आप जवान औलाद के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। उन्होंने बाप से शिकवा किया, जैसे आपको तो अपनी जान और औलाद की बड़ी परवाह है। उन्होंने तंज किया, हुआ क्या है डैडी, आप पहले ही बुझाते रहेंगे कि आप कुछ बोलेंगे भी। इस बार अमरीन बेगम तनक कर बोली थी, आप चुप रहें अमरी, मैं बाबा से बात कर रहा हूँ ना। बाप के माथे पर नागवारी की शिकने नमूदार होती देख उन्होंने तंबीह की, जबकि उनके बाकी दो छोटे भाई और उनकी औलादें रिलैक्स अंदाज में इस सारी कार्रवाई से महसूस हो रहे थे। आपकी लाडली कहाँ होती है आजकल, इब्राहिम साहब ने नासमझी से देखा। क्या मतलब है डैडी, मरियम तो घर ही है। आपकी लाडली नशे में पड़ गई हैं, सुना है आपने, और हमेशा की तरह आप दोनों माँ बाप बेहोश हैं। जवान लड़की किन लोगों की सोहबत में बैठ उठ रही है, आपको कोई गर्ज नहीं है। रात को घर में घुसना, लेट नाइट पार्टी, सिगरेट नोशी, ये तौर तरीके हैं खानदानी लड़कियों के। इस बार वो बुलंद आवाज़ में चिंगाड़े थे। दोनों चचियों ने हैरत का इजहार करते लम्हों पर हाथ धर लिए थे, जबकि उनकी छुपी रुस्म औलाद भी कुछ कम नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं अमरीन बाबा जान, कहाँ है मरियम, आप कहती हैं वो लेट नाइट दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडीज करती है, ये कौन सी पढ़ाइयाँ करी है। इब्राहिम साहब का चेहरा खफत के बाइस सुर पड़ गया था, जबकि वो बीवी की जानिब रुख फेरते बुलंद आवाज़ में धाड़े थे। वो इब्राहिम, उनकी आवाज़ आप ही आप लड़खड़ा गई थी। क्या इब्राहिम, डैडी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इस बार उन्होंने तनक कर दफा किया था। खामोश हो जाओ डैडी, कोई भी बात बिला मकसद नहीं करते। अपनी बेटी को बुलवाओ, आज मैं अपनी औलाद से पूछ ही लेता हूँ। क्या सारी ज़िंदगी रुसवा करने के लिए ही पैदा किया था मैंने इन्हें। वो सर पकड़ कर बैठ गए, हाँ पूछो, क्योंकि औलाद के बिगड़ में ज़्यादा हाथ उसकी माँ का होता है, ख़ासकर जब वो लड़की हो। अमरीन अब खामोश ही रही थी। आपको अपने लाडले पोते के बारे में क्या ख्याल है डैडी, जैसे आपने बाप के होते हुए पूरी बिजनेस एम्पायर का इकलौता मालिक बना दिया है, उसके करतूत आपको नज़र नहीं आते। मेरा पोता शराब नहीं पीता, लड़कियों के चक्कर में नहीं है, नशे नहीं करता, कोई ऐसा ऐब नहीं है मेरे पोते में जो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी हो। कमर साहब का लहजा इंतहा का सर्द था। अमरीन के साथ बाकी सबको भी चुप्पी सी लगी थी, जो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। अपनी बीवी को समझा दो इब्राहिम, अभी मैं जिंदा हूँ और जैसा मैं चाहूँगा बिल्कुल वैसा ही होगा। वो बोलकर मजीद वहाँ ठहरे नहीं थे, बल्कि अपनी बाकी तमाम औलादों पर एक तेज निगाह डाल थे वहाँ से निकलते चले गए थे। मूसा यार, यहाँ छत पर बैठकर क्या कर रहा है, जिशान से ढूंढता हुआ छत पर आया था। उसने चौंक कर सुंदरिया पर से नजरें फेरी थी, जो जिशान ने बखूबी देखी थी। तूबा की पुरानी आदत है चल चलाती हुई धूप में भी अपने कबूतरों को दाना डालने की। उसने कोई उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो खिफत ज़्यादा गुद्दी सहला कर रह गया। सब जाखियाँ शर्मिंदा से इधर उधर घूम रही थी। क्या तुम्हें तूबा पसंद है, वो इस कदर अचानक से बोला था कि एक पल को मूसा हैरान रह गया था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यकीनन ये एपिसोड पसंद आई होगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ जब बहुत जल्द हम नई एपिसोड लेकर आएंगे। चलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।